everyone, welcome to part 2 of I Try the Weirdest Things That I Could Find on Club Factory. Hope you enjoy this video and let's begin. So this was the ice maker. ये खोपड़ी वाला ice है, मतलब skulls बनेंगे इसमें से. तो if you put it in like a Coca-Cola or like a Ruafza, like red या black drink, काफी interesting लग सकता है. ये दो parts में आता है. ऐसे आगे का और पीछे का. Have actually tried a couple ice cube makers in the past and मेरा एक diamond ice maker था जिसमें बन तो गया था लेकिन वो बहुत ही फॉगी, बहुत ऑफ वाइट बर्फ बना था. तो उसमें इतने सारे कमेंट्स आए थे आपके कि आप पानी गर्म करके डालो तो बर्फ ऐसा नहीं होगा. तो आज हम वही करेंगे. आज हम गर्म पानी इसमें डाल के देखेंगे. दिस इज न I've taken this in a small plate ताकि गरम गरम पानी डालने के बाद हम आसानी से फिर भी उठा पाए. रियली होपफुल कि ये टाइम क्लियर क्लियर खोपड़ियां निकले तो मजा आएगा. तो डाल दे इसको फ्रीजर को एंड वी विल मीट अ फ्यू आवर्स लेटर. तो ये ऐसा दिख रहा है, ऊपर का थोड़ा बर्फ जमा हुआ है. बट आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन इट लाइक दिस एंड सी इफ इट्स टर्न्ड आउट. पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं लग रहा मुझे अभी तक, बट इट डज लुक लाइक अ स्कल, इट डज लुक लाइक खोपड़िया. थोड़ा सा टोच बाकी है, कड़क था. थम्स अप में डाल के देखता है कैसा लगेगा. 2 हफ्ते पुराना थम्स अप है, नसीब से फ्रिज में पड़ा था इसीलिए पड़ा होगा. ऐसा लग रहा है कि कुछ इंजरी हुआ है क्योंकि अंदर से कैसा है एकदम स्पाइकी स्पाइकी. बस ये तोड़ने का पॉसिबल नहीं हो रहा है मुझे. बीच में जो आइस है वो बहुत ज्यादा है. तो आई डोंट नो हाउ दैट हैपेंड बट आई एम नॉट एबल टू ब्रेक इट. टूट नहीं रहा मैं से. आई एम जस्ट लीविंग दैट देयर. नाउ वी नीड टू सी कि साइड में से स्कल जैसा दिखता है कि नहीं. एक्चुअली ये नहीं लग रहा है खोपड़ी जैसा. फोटो में जैसे बताया था स्कल्स दिखते हैं, ऐसा नहीं दिख रहा है. तो ड्रिंक में डालने के बाद तो ये शायद काम नहीं करता. तो आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट. आई डोंट नो व्हेदर टू गिव दिस अ पास और फेल. आप मुझे कमेंट से बताओ कि इसको किस तरीके से यूज करना चाहिए. वेलकम टू शेफ हेली विट्स किचन. आई एम हियर विद ऑल माय प्रोफेशनल टूल्स लाइक माय नाइफ सेट एंड माय चॉपिंग बोर्ड एंड माय अमेजिंग मेलन कटर. एक्चुअली दिस इज मेंट फॉर वाटरमेलन्स. इसके डब्बे में तो ऐसा ही बताया है इंस्ट्रक्शंस में कि दिस इज मेंट फॉर वाटरमेलन्स, बट आई डोंट हैव अ वाटरमेलन एट होम राइट नाउ सो आई एम गोना ट्राई इट विद अ. तो सबसे पहले इसको आधा चॉप करेंगे. किड्स डू नॉट यूज नाइफ्स इफ यू आर अंडर 18. ये बड़ा नाइफ यूज करने का कुछ अलग ही थ्रिल. एक साइड से इसको इंसर्ट करना है हमें. एक साइड से यहाँ से हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं. माई मॉम हैज गिवन अ वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट कि ये सीड्स अगर हम ऊपर से हटा दे बस जो भी पीसेस निकलेंगे अगर निकले तो इट विल बी गुड टू ईट. लेट्स पुट दिस टू द टेस्ट. हियर वी गो. ओह माय गॉड दिस वर्क्स. एक्सक्यूज मी पीसेस निकल रहे हैं. सो हियर इज द थिंग. इट वर्क्स डेफिनेटली. इट डज वर्क डायरेक्टली. बड़े बड़े खाने लायक पीसेस निकल रहे हैं. बेसिकली जितनी भी बार ये रोटेट होता है ना उतने पीसेस आपको मिलेंगे. बस एक है कि
जरा मोरी के ऊपर करना क्योंकि फ्रूट में से जूस काफी निकल रहा है, तो मैंने प्लेटफॉर्म को काफी गंदा कर दिया है। पर जहां तक ये टूल का सवाल है, इट डज वर्क। तो अगर आपको आपके किचन में कुछ ऐसे अतरंगी चीजें ऐड करनी है तो आप ये कर सकते हो। बियर्ड होने के साथ साथ काम भी करता है। सो गेट अ थम्स अप एंड लेट्स ईट सम मस्क मेलन्स। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट आइटम पे, विच इज दिस यूनिक डिश वॉशर। तो इसमें अंदर मैं साबुन भर रही हूँ एंड देन आई एम गोना डाइल्यूट इट विथ वाटर, क्योंकि आई डोंट थिंक ये साबू इज लाइक लिक्विडी इनफ टू कम आउट ऑन इट्स ओन। मिक्स कर रही हूँ सो दैट वेल इट मिक्सेस। या एंड आई चोज द डर्टीएस्ट प्लेट इन माई किचन। मुझे तो अभी ये वॉइस ओवर करते वक्त तो कुछ हो रहा है कि कितना गंदा है प्लेट, एंड दैट्स वाई मुझे नॉर्मल बर्तन धोने वाले स्क्रब्स नहीं पसंद क्योंकि उसमें काफ़ी बार हाथों पे भी लग जाता है। तो अभी मैं ऊपर का बटन प्रेस कर रही हूँ जिसमें से ये लिक्विड निकला, तो आपको बार बार इसको डिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो साबुन की टिक्की में। एंड जब भी चाहिए बटन दबा दो, उसमें से साबुन निकल जाएगा एंड आपके हाथ एकदम ड्राई रहेंगे। एंड दिस इज हाउ यू कैन वॉश योर प्लेट। मुझे तो लगा था कि साइड्स में जाने में एक तो पीछे का भी बहुत गंदा था। या आई वाज सेइंग कि मुझे लगा था कि साइड्स में घुसने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है इससे, बट नहीं हुई, आसानी से ये घुस रहा था। एंड बिकॉज अंदर साबुन था, मैं ज़िद्दी खाना जहाँ पे अटका हुआ था उधर मैं स्प्रे कर देती थी एंड वो इजीली निकल गया। लाइक ये प्लेट चमक रही है, अगर ये स्टील की प्लेट होती ना तो मेरा फेस इसमें रिफ्लेक्ट करता एंड आई एम प्राउड। मैंने जाके घर पर सबको बताया कि ये प्लेट मैंने धोई है एंड ये घर की सबसे चमकीली प्लेट है करंटली। सो दिस ब्रश आई लव इट। आई एम डूइंग दिस वॉइस ओवर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर शूटिंग दिस वीडियो एंड आई स्टिल यूज दिस। सो दिस वन डेफिनेटली 100% गेट्स अ बिग थम्स अप। लास्ट प्रोडक्ट विच इज द स्ट्रेटनर, क्या प्यारा कलर है। इट्स अ वेरी पेस्टल पर्पल कलर। आई वॉज होपिंग टू हैड अ पिंक बट ऑनेस्टली दिस इज बेटर देन द पिंक। प्लग तो चालू है, अब अंदर से मैं इसको स्विच ऑन करूंगी। ये पिंक स्विच, इट लिट अप। इसके बॉक्स पे सारे डिटेल्स मेंशन है कि कितने वोल्टेज तक गर्म होता है और वगैरह वगैरह। ट्रैवलिंग के लिए कितना मस्त रहेगा यार। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट टू हीट अप एंड देन वी ट्राई एंड स्ट्रेटन आवर हेयर अ बिट। ठीक है, आई थिंक इट शुड बी रेडी। लेट्स ट्राई, बिकॉज पेशेंस तो है नहीं मेरे में। मुझे ये लेके जाने का इतना मन था बट आई लाइक नो हिली रूल्स आर रूल्स, यू हैव टू ट्राई इट फर्स्ट टाइम ऑन इन दिस वीडियो ओनली, यू कांट ट्राई इट बिफोर। सो दैट्स व्हाई आई डिड नॉट टेक इट। लेट्स गो। माय हेयर इज स्ट्रेट, दिस वाज कर्ली फर्स्ट, this is seeming to work, wow। एक और चला के देखती हूँ। और ये क्या स्ट्रेट हो गए बाल, पिन स्ट्रेट हो गए बाल, एकदम एक क्रिस्प। लुक एट दिस साइड, इतना कर्ली था मेरा ये वाला बाल एंड स्ट्रेट। This straightener was so damn cheap and it worked very well. Plus, ये traveling के लिए कितना easy पड़ेगा, वो bulky वाले straighteners और curlers भी लेकर जाने पड़ेंगे, इसी से अच्छे curls भी create कर सकते हैं। I'm gonna try to create one because it seems that my curler is not going to work. That's making me a little bit panicky. Let's see. ऐसे करना होता है? ऐसे करना होता है? It's from what I remember, ठीक है? मैं YouTube पे tutorials देखे थे, but ये तो मुझे गड़बड़ लग रहा है। Finally we are. If you enjoyed watching this video, that makes me very, very happy, and I'll see you in the next video. Until then, goodbye.